ग्रेट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग सेकुलर स्टेट जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। उसमें एक भारत के संविधान का फीचर्स है सेकुलर स्टेट। इंडिया वाज अ सेकुलर स्टेट और इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया विल बी अ सेकुलर स्टेट। इसके कारण है क्योंकि विश्व के जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो कि भारत में उसका जो है उत्सव या फिर उस धर्म को मानने वाले लोग भारत में नहीं पाए जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत अपने आप में एक विश्व है, ठीक है। तो और इंडिया के जो पौराणिक कह सकते हैं या फिर ऐतिहासिक जो विचारधारा रहा है, जो दर्शन रहा है, जो फिलॉसफी रहा है, वह सर्वैव भवन्तु सुखिना या फिर वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा का पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में देखा गया है, सर्व धर्म संभाव की अवधारणा थी। तो और यहाँ कई एक रिलीजन जन्म लिए हैं। जैसे अब आप अरब कंट्री देख लोगे या क्रिश्चियन कंट्री देख लोगे तो वहाँ एक स्पेसिफिक रिलीजन, एक ही रिलीजन भाई वहाँ जन्म लिया आज तक। भारत में देखोगे तो यहाँ सबसे पहले तो सनातन संस्कृति था, बुद्ध भगवान आए, जैन भगवान आए, सिख का जन्म हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं ये तो खैर धर्म है, कई एक संप्रदाय ने यहाँ जन्म लिया। जैसे अब हिंदू धर्म में कोई विष्णु के पूजक हैं, कोई शिव के उपासक हैं। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट जो है फिलॉसफी को मानने वाले लोग, दर्शन में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो सेक्युलरिज्म जो है ना, बेसिकली ये भारतीयों के कह सकते हैं कि इम्पल्स में है, उसके डीएनए में है। भले ये जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस वक्त के जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलरिज्म कहीं था ही नहीं, क्योंकि रिलीजियस लाइन पे पाकिस्तान बना था, इंडिया का डिवीज़न हुआ था, उसको लेकर भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दिल में कुछ तो बातें रही होगी, तब तो वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को या सेकुलर शब्द को नहीं डाला था। हालांकि रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारे आर्टिकल दिए गए थे फंडामेंटल राइट में, बट जो है कि सेकुलरिज्म कोई शब्द का प्रयोग नहीं था। लेकिन जो है यह कोई ऑफिशियल जो है भारत का कह सकते हैं कि उस वक्त भी कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द जो है यह इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के पीरियड में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में इसे इंक्लूड किया गया था प्रीएम्बल में, ठीक है। हालांकि जितने भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो ऑलरेडी उस वक्त भी कह सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस वक्त भी अवेलेबल थे। देखिए सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। हर एक स्टेट को देख लोगे आप लोग, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि मतलब बताता हूँ कि आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ जो प्रेसिडेंट वगैरह का जो शपथ होता है ना, शपथ समारोह सेरेमनी वगैरह, तो उसमें जो है वो बाइबल को लेके या फिर कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस को या जो पादरी वगैरह, तो उसका एक मतलब ट्रेडिशन है कि वो कल्चर उस प्रकार से डेवलप्ड किया गया है कि अपनी क्रिश्चियनिटी के आधार पर जो है वो शपथ लेते हैं। या फिर एक कोई भी स्टेट चले जाए, इनफैक्ट हालांकि ये सेकुलरिज्म वेस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ जो है स्टेट का एक स्पेसिफिक रिलीजन होता है। इंडिया का जो है सेकुलरिज्म ये डिफाइन करता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और जितने भी भारत के कह सकते हैं कि जो स्टेट मोन्यूमेंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्निंग बॉडी है, वो कोई स्पेसिफिक रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करेगा और ना ही उसे उत्सव के रूप में मनाएगा। ये चीज है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डज नॉट अफोर्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन, और भारत जो है किसी भी एक रिलीजन को ऐसा नहीं कर रहा। जैसे अगर पाकिस्तान की तरफ देखो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है। भारत को अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो इसे कहा जा सकता था कि हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारत का कोई स्पेसिफिक अपना कोई रिलीजन नहीं है, लोग अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो सेकुलर जो शब्द है ना, ये ऐड किया गया था प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और स्टेट डू नॉट, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में या संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन में जो प्रोवाइड किए गए हैं, वो है कि स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर। जैसे कई एक धर्म को मानने वाले लोग, कई एक तो ऐसे होते हैं कोई धर्म को मानते ही नहीं, वो नास्तिक होते हैं। तो भारत जो है, या फिर भारत इन द सेंस स्टेट जो है, सरकार जो है, किसी भी धर्म के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और ये प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराती है। राइट टू इक्वालिटी है,
समानता का अधिकार, इक्वलिटी इन द सेंस कि आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ को अगर मानने वाले लोग हैं, आपको कहीं जॉब की मतलब वैकेंसी वगैरह करते हैं या अप्लाई करते हैं या कहीं भी सरकारी कामकाज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो किसी भी एक क्षेत्र में आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इक्वली जो है सब लोग को देखा जाएगा, सबको समान ताकि नज़रों से देखा जाएगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसस और फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, मतलब चेतना के स्तर पर आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोफेस करने के लिए, कोई भी धर्म को मानिए इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपोगेट इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। कन्वर्जन के लिए नहीं, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह है वो कन्वर्जन कराती है, या फिर जो जितने भी धर्म हैं वो लगे रहते हैं कि चलो हिंदुओं में या फिर किसी को भी कन्वर्जन कराओ, अपने धर्म का बढ़ाओ। सिखों में और हिंदुओं ने कभी धर्म का परिवर्तन नहीं करवाया, वो अपनी आप जो है चेतना हिंदुज़म या सनातन संस्कृति को आप देखोगे तो बहुत लोग वेस्टर्न जो है इसे इन्फ्लुएंस वगैरह खुद हो जाते हैं, जैसे जो भागवत गीता एक बार पढ़ लिया तो उसका सार को समझ लिया, मोक्ष को समझ लिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने कभी पैसा देकर, धन बल का प्रयोग कर किसी राष्ट्र पे आक्रमण करके कभी भी धर्म को फैलाने का जो है कार्य नहीं किया। जैसे ब्रिटेन वगैरह आया तो भारत में क्रिश्चियनिटी कहाँ से फैली, ब्रिटेन वगैरह आक्रमण किया, फिर उन्होंने पैसा के बल पर जोर जबरदस्ती करके, या फिर आज भी देखो कितने जो है कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आप प्रोपोगेट का मतलब है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जबरदस्ती आप किसी को जो है धन बल के लालच पे आप इसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। फिर राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिलीजियस अफेयर्स इन द सेंस कि जो भी आपका अपना कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ मंदिर या फिर जो होते हैं मतलब समारोह वगैरह होता है, जो भी जो कह सकते हैं कि धार्मिक आपके रीति रिवाज है, उसको आप उस अफेयर्स को आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। एक डिफरेंसेस यहाँ है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और इंडिया का। देखिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहता है कि स्टेट जो है, मतलब जो सरकार है, जो कंट्री है, जो देश है, जो राष्ट्र है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। यह एक प्रकार का सेकुलरिज्म है, ठीक है। मतलब रिलीजन को और स्टेट को दोनों को डिटैच कर दिया गया है, दोनों में आपसे कोई संबंध नहीं होगा, यह सेकुलरिज्म का असली मीनिंग है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप देखोगे तो एक प्रकार से भारत जो है, कोई भी चाहे फंडामेंटल राइट को ही ले ले तो वो अभी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक उसी प्रकार इंडिया सेकुलर है, लेकिन यहाँ यह आज़ादी नहीं दी जाती। मान लेते हैं कहीं अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ अगर दंगे फसाद हो जाते हैं, या फिर कोई आप धार्मिक जलसे निकाल रहे हैं तो बिना परमिशन के निकाल रहे हैं, या फिर कुछ उस प्रकार प्रक्रिया में संलिप्त हैं जो कि मतलब समाज के अन्य लोगों को उससे कठिनाई हो सकती है, तो इसके लिए देखते हो कोई भी जुलूस वगैरह जब निकलता है या फिर इसके लिए पहले प्रायर परमिशन लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ एक मल्टी रिलीजियस इंडिया जो है, यहाँ मैंने पहले बताया सभी धर्म के लोग यहाँ मानने वाले, सभी धर्मों के उपासक यहाँ पाए जाते हैं। तो मल्टी रिलीजियस होने के कारण भारत जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपना है। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था, समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना बनाए रखने के लिए हमें इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है, तो वह कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। एक फॉर एग्जांपल ले लो, भारत में पहले सती प्रथा था तो वो तो खैर अंग्रेजों ने बंद किया, और बहुत सारे ऐसे प्रथाएं थी, ठीक है। उसको जो है धीरे धीरे सरकार जो है रिफॉर्म्स ला के उसमें कह सकते हैं उसे निरस्त किया, जैसे हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक का बिल आया था, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसे जो है मतलब एक प्रकार से खत्म कर दिया अपने जजमेंट में। तो ये है पॉजिटिव सेकुलरिज्म कि कोई भी धर्म में वो सकारात्मक रूप से उस समाज के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है किसी भी परिस्थिति में स्टेट को रिलीजियस से कोई मतलब कोई भी लेना देना नहीं है। और इंडिया क्या है, पॉजिटिव क्योंकि मल्टी रिलीजियस है, यहाँ सभी प्रकार के धर्म हैं,
बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, इनफैक्ट कई लोग तो नास्तिक होते हैं जो कोई धर्म को भी नहीं मानने वाले। तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो मानने वाले हैं उसको पीटना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल कि भाई तुम धर्म को काहे नहीं मानते हो, या तुम हमारे धर्म, हमारा धर्म सुपीरियर है, तुम्हारा धर्म धर्म जो है कमजोर है या फिर खराब है, मतलब इस तरह कॉन्फ्लिक्ट आए जो दंगे फसाद जो होते हैं। तो ये इसमें जो है गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और उसे रोकने का प्रयास करती है। तो एक प्रकार से पॉजिटिव जो है सेकुलरिज्म इंडिया में अपनाया गया है कि स्टेट, अगर स्टेट को अगर लगता है कोई क्रूतियाँ, जैसे एक बाल विवाह वगैरह था, इसे समाप्त कर दिया गया। बहुत लोग रिलीजियस जो होते थे, कंजर्वेटिव माइंडेड होते थे, कहते ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, जैसे मुस्लिम वगैरह जो कह रहे हैं तिरुपति लाक मथुराओ, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे शरिया के खिलाफ है। लेकिन जब सरकार को ये लगता है नहीं, या समाज में कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कह सकते हैं मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर ये अपलिफ्टमेंट का काम करती है, तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है और उसमें पॉजिटिव इंटरफेयर करती है। तो ये है भारत का सेकुलरिज्म। खैर, ये सेकुलर स्टेट है इंडिया, एक धर्म इसके बहुत लोग ना इसके हिंदी शब्द जो टर्म है वो लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी जो ओरिजिनल हिंदी है वो पंथ निरपेक्ष होता है। मैं बता दें, कई बार जो है प्रेमबल में भी धर्म निरपेक्ष जो किसी के द्वारा लिखा गया, इसका एक लंबा इतिहास है, इसके ऊपर हम लोग कभी बताएंगे क्या क्रिया जो है 42nd अमेंडमेंट में 1976 इमरजेंसी के दौरान कैसे इसे लाया गया विदाउट एनी डिस्कशन डिबेट और डेलिब्रेशन, उसके बारे में हम लोग कभी स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बस हम यहाँ यह जानना चाह रहे हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कई एक और जो है, अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स हैं, उसको हम अभी और आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।